हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है खिचड़ी का दिन, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। और इसके बाद मैंने सोचा था आज मैं मॉर्निंग में सबसे जल्दी इन सबको जगाऊंगी, पर इसके बाद इनको 16 को ना इनका स्कूल खुलने वाला था, तो ये आज फिर मम्मी आज ये लास्ट डे है मैं सोऊंगी, ऐसे कर करके इन्होंने फिर 9:30 बजा ही दिया। और सोम कहीं कहीं पर संडे वाले दिन थी और कहीं कहीं मंडे को थी, तो इनके स्कूल की छुट्टी मंडे को थी और अधिकतर लोगों ने मंडे को ही किया था, तो मैंने भी उसी दिन किया था। और उसके बाद जब ये सो के उठी हैं तो चाय पी के फिर ये कहीं चली गई थी, ये तो आज इन बिना मतलब नहाए धोए चली गई थी, इसलिए मैंने इनको आज पिटाई भी लगाई थी। त्यौहार के दिन मारना नहीं चाह रही थी, पर फिर भी आज ये मेरे से मार खा चुकी हैं। फिर मैंने इनको बुलाया क्योंकि घर के काम में जब ये उठती हैं तो घर के काम बहुत होते, मैं उसमें फिर बिजी हो जाती हूँ और मुझे पता ही नहीं चला ये कब निकल गई, तो इन्होंने नहाया नहीं था इस वजह से इनको आज पड़ी है। फिर मैंने पानी गर्म करके इनको सबसे पहले नहलाया है, और सबसे बड़ी जंग इनके बालों में होती है क्योंकि वैसे ही इतना कर्ली होने की वजह से दोनों के बाल टूटते मतलब उलझते हैं, उन्हें केयर करनी पड़ती है सुलझाने में। और उसके बाद तो आज जब शैम्पू कर दो तब कुछ ज़्यादा ही उलझ जाते हैं, तो सुलझाते सुलझाते ये भी लगता है कि लगे ना, फिर भी लग ही जाता है। और कट करने को करती हूँ तो कुछ कट करने देती नहीं है, और इनकी बालों की वजह से मेरे घर में कम से कम 5 कंघे होंगे और किसी कोई भी मतलब एक भी ऐसा नहीं होगा जो सही हो, सभी में कुछ ना कुछ टूटा ही है क्योंकि लाने के 3-4 दिन बाद ही वो टूट जाता है, तो फिर वैसे ही चलाती हूँ मैं, क्या करूँ, टूट रहा है। और इनका नाटक शुरू है, कुछ पोज दे रही हैं और मैं भी इनको तैयार करके फिर चली गई थी पोछा लगाने के लिए। पोछा लगा के नहा के भगवान जी की पूजा करके मैं आ चुकी हूँ, और फिर मैंने खिचड़ी बना के रख ली थी। और उसके बाद खिचड़ी मतलब वो चावल और दाल मिक्स करके, तो अभी बनाने के पहले थोड़ा दान के लिए निकालेंगे, तो सारी सामान जो जो मैंने लगती है जो निकाली जाएगी वो सारी खिचड़ी है, और संतरा रख लिया है, थोड़ा नमक भी इसमें पड़ता है तो इसलिए वो भी रख देंगे, तो जो जो ज़रूरत है, तो मैंने इसको पेपर में कर दिया है जिससे बिखरे नहीं, और इसको दान में भेज देंगे। और उसके बाद जा रहे हैं, जब तक मैंने चढ़ाई थी खिचड़ी तो बगल में पीहू कुहू का बुला लिया गया था खिचड़ी खाने के लिए, उन बाबा दादी रहते हैं पीहू कुहू के, तो मैंने बोल दिया था कि घर में भी खाना है तो थोड़ा सा ही खाना, वरना न शर्मा जी खाने को कह रहे थे, वो भी घर जा रहे थे और बच्चे भी खा लेते तो मैं अपने लिए थोड़ी ना बनाती, तो मैंने कहा घर में त्यौहार मनाया जाता है इस वजह से साथ में थोड़ी बन जाएगी तो सब खा लेंगे। फिर खैर मैंने सबको रोक के रखा तो सबने फिर थोड़ी थोड़ी खाई, ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी, तो मैंने खिचड़ी चढ़ा रखी है। और इसके बाद दही बड़े तो शाम में ही बन गए थे, आज खाने में ज़्यादा झंझट नहीं था और खिचड़ी बन चुकी है, तो जा रहे हैं पहले कान्हा जी को भोग लगा देंगे जाके, तो उनके लिए थोड़ा निकाल देंगे, उसके बाद बच्चे पार्क में सामने खेल रहे हैं उनको भी बुला लेंगे, तो गरम गरम अच्छी लगती है तो खा लेंगे आके।
मम्मी कौन है? मम्मी हाँ। तो जाओ फिर अभी खा लो, फिर इसके बाद चली जाना, आना नहीं घर में। जी नहीं मैं ये इनकी मम्मी हो गया मैं, चला बोल दो। नहीं आप ब्रो चलाक चलाक दीदी। अच्छा चलाक दीदी है, अच्छा खाओ। अरे आराम से यहाँ पे बैठो तब खाओ। क्या हुआ तेरा? तो मिलेगा हाँ।